फरवरी की बारिश का फ़ायदा उठाकर जिन भी पौधों की कटिंग्स मिले आप ज़रूर ग्रो करें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत बारिश हो रही है आज हमारे यहाँ, और फरवरी में इस टाइम सबके यहाँ ही बारिश हो रही है लगातार, तो मौसम बहुत अच्छा है और इस टाइम हम किसी भी प्लांट्स की कटिंग बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं और रिज़ल्ट हमें 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं कटिंग्स ग्रो करने जा रही हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ प्लांट्स गिफ्ट में मिले, तो ये मेरी सिस्टर के यहाँ से मैंने मंगाए हैं। तो मेरे पास ये प्लांट्स नहीं थे, तो आज उन्होंने मुझे इन प्लांट्स की कटिंग भेजी है, तो आज मैं आपको लगा कर दिखाऊँगी। और फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ और इन शॉपर में इन जो भी प्लांट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए ये कौन कौन से प्लांट हैं इसमें। तो इन शॉपर में मुझे उन्होंने ये कटिंग्स भेजी हैं और मौसम जैसे कि बहुत अच्छा है, बारिश का है, तो हमारे जो भी प्लांट्स की कटिंग है वो उस टाइम ग्रो हो सकती हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए उन्होंने मुझे इन प्लांट्स की कटिंग भेजी है और ये प्लांट्स मेरे पास थे भी नहीं, तो मुझे तो मिल गए फ्री के प्लांट्स। और अभी मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये है अजवाइन और ये मेरे पास प्लांट था लेकिन ख़राब हो गया था पिछले साल, तो फिर मैंने इसे नहीं लगाया अपने गार्डन में और अभी मेरी सिस्टर ने इसे भेज दिया, तो अब मैं इसे भी ऐड कर लूँगी अपने गार्डन में। तो दूसरा ये जो प्लांट है वो है कटिंग गुलाब की, तो उन्होंने सफ़ेद गुलाब की कटिंग भी भेजी है। हालांकि मेरे पास सफ़ेद गुलाब था लेकिन वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गया, तो इस बार मैंने कोई भी प्लांट परचेज नहीं किया बाहर से। तो अभी मैं इन्हें लगा लूँगी, इनकी कटिंग्स ग्रो कर लूँगी और मौसम अच्छा है तो कटिंग ग्रो हो जाएगी। और एक ये रेड कलर का प्लांट है, इसकी लीव्स जो हैं रेड रेड हैं, तो इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और चौथा प्लांट जो उन्होंने मुझे भेजा वो है ये पत्थर चट्टा, तो ये भी मेरे पास था लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये भी ख़राब हो गया मेरे पास। तो ये चार प्लांट्स उन्होंने मुझे भेजे, इनमें से कुछ में रूट्स हैं और कुछ की कटिंग्स हैं, तो इन्हें मैं लगा लूँगी। तो किस चीज़ में लगाऊँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने ये गमला ले लिया, तो ये गमला खाली था तो इसमें मैंने सैंड भर लिए। सैंड आप वही यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्शन सैंड, तो इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है कटिंग्स का, इसलिए मैं अपनी सारी कटिंग्स इन्हीं में ग्रो करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो गुलाब की कटिंग उन्होंने भेजी थी मुझे, तो ये बहुत लंबी है, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इस कटिंग को ऐसे ही ग्रो कर दूँगी इनकी लीव्स हटाकर, लेकिन ये कटिंग थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं इसे सोच रही हूँ कि कट कर लूँ फिर लगाऊँगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद ये कुछ चार कटिंग बनी है और ये बहुत पतली पतली है, एक थोड़ी ठीक है, ये मुझे ग्रो होने के चांसेस इसके लग रहे हैं और बाकी ये बहुत पतली है, तो इसको मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये ग्रो होगी या नहीं होगी। हालांकि मैं इन चारों को ही लगा दे रही हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी गमले में मैं लगा रही हूँ चारों कटिंग को और इसमें थोड़े कांटे हैं इसलिए मैं थोड़ा केयरफुली लगा रही हूँ, और बस मैंने कोई भी रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं किया है, जस्ट ऐसे सैंड में मैं इसको लगा दे रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पर ये गुलाब की जो कटिंग है मैंने इसमें लगा ली और अभी गमला खाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो प्लांट की कटिंग और इसमें लगा लेती हूँ क्योंकि गमला तो खाली है और मुझे बार बार डिस्टर्ब भी नहीं करना है इस गमले को, तो इसी में ये कटिंग चलती रहेगी। तो इस गमले में जो बची हुई जगह है तो इसमें मैं ये रेड वाला प्लांट लगाऊंगी, तो ये वाला देखिए, ये वाला प्लांट जो रेड वाला है इसमें हालांकि एक में रूट्स भी हैं, तो इसे मैं कट कर दूँगी। और देखिए इसको मैं कट कर ले रही हूँ, तो इसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, इसका रूट वाला हिस्सा जो है वो मैं अलग प्लांटर में लगा दूँगी और इनकी कटिंग्स भी मैं लगा दूँगी, तो इससे मेरे पास कई सारे प्लांट इसके बन जाएंगे। तो इनकी मैं कटिंग्स इन गमले में लगा देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इसे भी मैं ऐसे सिंपल सैंड में लगा रही हूँ और कोई भी रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं कर रही हूँ। देखिए एक एक कटिंग्स को मैंने लगा लिया है और इस सैंड में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, इसमें सिर्फ ओनली सैंड है और कुछ भी नहीं है, कोई कंपोस्ट वगैरह कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि सैंड में रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने अब तक जितने भी प्लांट्स कटिंग से ग्रो किए हैं सब सैंड में किए हैं और अब मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स बन चुके हैं फ्री में,
तो मैं ज़ीरो बजट गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए मैं फ्री के प्लांट्स इसी तरह से ऐड करती रहती हूँ अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इन कटिंग को लगा लिया और अब मैंने दूसरा कंटेनर ले लिया है, इसमें मैंने जेड की कटिंग ग्रो की थी तो वो मैंने निकाल ली, तो अभी ये खाली हो गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो रूट वाला हिस्सा था तो इसको मैं इस प्लांटर में लगा देती हूँ, क्योंकि छोटा सा प्लांट है और इसके लिए इतना बड़ा प्लांटर सही है। तो यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली थी इसलिए मैंने इसकी हेल्प से इस प्लांट को लगा दिया है, और इसे मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश का पानी पड़ेगा तो, क्योंकि हमारा जो ये प्लांट है वो सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगा। और अभी ये जो प्लांट बच गए हैं तो इनको भी मैं अभी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वो जो पत्थर चट्टा आपको दिख रहा है, तो जिस क्लास में मेरी सिस्टर ने गुलाब की कटिंग लगा कर भेजी थी तो वो खाली था, इसलिए मैंने उस पत्थर चट्टे को लगा दिया। और अभी जो ये अजवाइन का और एक पत्थर चट्टे का प्लांट बच गया है उसको मैं पानी में डालकर छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास गमला खाली नहीं है ना ही कोई वेस्ट कंटेनर खाली है, तो मैं इसमें पानी में डालकर छोड़ दूँगी। और इसमें रूट्स हैं तो ये ख़राब नहीं होगा, इसमें रोज़ की कटिंग लगा कर दी थी तो ये ग्लास खाली हो गया था, इसलिए मैंने इसमें पत्थर चट्टे का एक प्लांट लगा दिया, बाकी एक पत्थर चट्टा और ये अजवाइन का जो प्लांट है इसको मैं इसी तरह से पानी में छोड़ दूँगी, और जब मुझे प्लांटर मिल जाएगा तो मैं उसमें लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स आप भी इस टाइम बारिश का फ़ायदा उठाइए और कटिंग से प्लांट तैयार कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।